अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैर ऑफियत से होंगे। सो आज का जो हमारा ये वीडियो है, इसमें हम लोग रिएक्ट नेटिव के ऊपर एक एप्लीकेशन बनाएंगे। सो रिएक्ट नेटिव क्या होती है? रिएक्ट नेटिव जो है वो एक लाइब्रेरी है एक्सटेंडेड टू रिएक्ट जेएस, जिसको मेंटेन कर रहा है फेसबुक। फेसबुक इसको ऑन करता है। और ये लाइब्रेरी जो है, ये फर्स्ट लाइब्रेरी है जिसके अंदर आप जावास्क्रिप्ट में कोड लिखते हैं, और एट द एंड जब आप उनको कंपाइल करते हैं तो आप अपनी नेटिव एंड्रॉयड एंड आईओएस की एप्स बना सकते हैं। इससे पहले जो लाइब्रेरीज थी लाइक कोर्डोवा, उसमें जो ऐप बनती थी वो हाइब्रिड ऐप होती थी, वो नेटिव ऐप नहीं होती थी। वो एक अपने अराउंड एक रैपर क्रिएट करती थी और उसके अंदर एज अ वेब ऐप रन होती थी। रिएक्ट नेटिव के साथ जो है वो हम लोग कंप्लीट नेटिव ऐप्स बना सकते हैं। अगर आपके पास विंडोज बेस्ड पीसी है तो आप सिर्फ एंड्रॉयड के ऊपर काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास मैकबुक है तो आप एंड्रॉयड और आईओएस दोनों के साथ सिमल्टेनियसली काम कर सकते हैं। सो एट द एंड हम लोग कोड जो है वो जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखेंगे, लेकिन उसकी जो कंपाइलेशन के बाद हमें आफ्टर कंपाइलेशन कोड मिलेगा, वो नेटिव कोड होगा फॉर एंड्रॉइड एंड आईओएस, जिनको हम लोग ऐप स्टोर के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है साबिर हुसैन और मेरा 6 साल से ज्यादा का वेब डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है। सो आज की जो ऐप है वो उसका नाम है टूडू ऐप, और हम लोग रिएक्ट नेटिव के साथ उसको बनाएंगे। उसके अंदर जो है ये होगी बिल्कुल छोटी सी और बेसिक ऐप, लेकिन बिल्कुल उस तरीके को फॉलो करेंगे जिसके साथ हम लोग अपने ऑफिस के अंदर अपनी बड़ी बड़ी ऐप्स को फॉलो करते हैं। सो अगर आप मेरे साथ साथ इस ऐप को बनाएंगे तो बिल्कुल वही स्टेप्स को हम लोग फॉलो कर रहे होंगे। सो इसके बाद आप लोग किसी भी ऑफिस में जाके या अपनी कोई भी ऐप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। सो सेकेंडली, ये छोटी और बेसिक ऐप जरूर है, लेकिन ये एक कंप्लीट डायनामिक ऐप होगी जिसके अंदर हम लोग प्रॉपर तरीके से REST APIs कॉल करेंगे और डाटा लोड करेंगे। फिर उस डाटे के अंदर जो हमारे पास टू डूज होंगे उनको हम लोग लिस्ट करेंगे, और हर टू डू के ऊपर जब हम उसको मार्क करेंगे तो हम लोग फिर से एक यानी कि कंप्लीट मार्क करेंगे। लाइक से कि मैंने टू डूज की लिस्ट बनाई हुई और मैंने आज के टू डूज कर लिए हैं, तो जैसे मैं उनको टच करूंगा, टू डू को मार्क करूंगा, तो मैं फिर से एक REST API कॉल करूंगा। सो ये कंप्लीट डायनामिक ऐप होगी जिसके अंदर हम लोग REST APIs के साथ अपनी डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी भी बनाएंगे, और रियल ऐप के अंदर भी बिल्कुल सेम यही प्रोसेस चलता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले ये रिएक्ट नेटिव की ऑफिशियल साइट है। यहाँ पे अगर मैं डॉक्स में जाऊँ, ये इन्वायरमेंट सेटअप है, सेटिंग अप द डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस दे रहे हैं हमें, एक्सपो CLI क्विक स्टार्ट और रिएक्ट नेटिव। सो एक्सपो एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है जिसको हम लोग रिएक्ट नेटिव के साथ यूज करते हैं। सो एक्सपो जो है वो अपनी आपकी ऐप के अराउंड एक रैपर प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती हैं। लाइक आपके जो नेटिव चीजें हैं, मोबाइल की कैमरा, ब्लूटूथ, इन चीजों को एक्सेस करने में हेल्प आउट मिलती है, और बहुत सारी अदर चीजें भी हमें एक्सपो के साथ मिलती हैं। हम लोग अभी टाइम टू टाइम साथ साथ सीखेंगे। अगर हम लोग रिएक्ट नेटिव की तरफ जाते हैं तो फिर हमें सिर्फ ये नेटिव फीचर मिलेंगे, जो कि फिर एक्स्ट्रा चीजों के लिए हमें एक्स्ट्रा लाइब्रेरीज यूज करनी पड़ेंगी। सो इन इन दिस केस फॉर दिस वीडियो वी आर यूजिंग एक्सपो CLI, और इसके अंदर अगर हम लोग एक्सपो CLI को फॉलो कर रहे हैं तो इसके अंदर ये उन्होंने कुछ कमांड्स बताई हुई है जिनको हम फॉलो करके एक्सपो CLI के साथ अपनी ऐप बिल्ड कर सकते हैं। सो इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग दिस कमांड्स, आई वुड लाइक टू गो टू expo.io ऑफिशियल साइट। सो यहाँ पे expo.io पे आ जाएं। यहाँ पे इन्होंने स्टेप्स जो है वो ज्यादा आसान तरीके से बताए हैं, तो हम गेट स्टार्टेड पे जाते हैं और यहाँ पे देखें, इसको इग्नोर कर दें फर्स्ट स्टेप को। तो हमारा जो सबसे पहला स्टेप बनेगा वो है डाउनलोड नोड डॉट जी एस। सो नोड डॉट जी एस डॉट ऑर्ग इनकी ऑफिशियल साइट है, यहाँ पे आपने आना है, और जो लेटेस्ट आपकी नोड डॉट जी एस है उसको आपने यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है अपने पास। डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल कर लें आप लोग। Thank you.
सो ये हमारे पास Node.js इंस्टॉल हो गई है, फिनिश पे क्लिक करें और इसके बाद आई वुड रिकमेंड कि आप अपना जो पीसी है वो एक दफ़ा रीस्टार्ट ज़रूर कर लें। तो रीस्टार्ट करने के बाद फिर वापस अपने और नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। ओके, पीसी रीस्टार्ट करने के बाद हम लोग वापस आ गए हैं और एक्सपो पे वापस आते हैं। सो हमारा ये वाला स्टेप क्लियर हो गया। अगले स्टेप क्लियर करने के लिए हमें एक फोल्डर चूज करना है सबसे पहले, जहां पे हम लोग अपनी एप्लीकेशन इंस्टॉल करें। सो इन माय केस मैंने ये फोल्डर चूज कर लिया, यहाँ पे मैं अपनी जो रिएक्ट नेटिव की ऐप है टू डू ऐप वो बनाऊंगा। तो यहाँ पे जब आप उस पाथ पे आ जाएं तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है और टाइप करना है CMD और एंटर प्रेस कर देना। तो ये करेगा, ये कमांड लाइन इंटरफेस जो है आपके इसी पाथ के साथ यहाँ पे ओपन कर देगा। सो नेक्स्ट वाली जो कमांड है वो हम लोग यहाँ पे रन करेंगे अब। सो स्टेप नंबर 3 पे हमें एक्सपो कहता है कि आप इसको ये वाली कमांड रन करें, विच इज NPM इंस्टॉल एक्सपो सी एल आई ग्लोबल। ये क्या करेगा, ये एक्सपो सी एल आई जो है वो आप ग्लोबली आपके पीसी में इंस्टॉल करेगा। सो हमने कमांड वहां से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट की एंड हिट एंटर। माइट टेक्स फ्यू मिनट्स, सो मैं यहाँ पे वीडियो को पास कर रहा हूँ और वापस आते हैं जैसे ये इंस्टॉल हो जाती है हमारे पास। तो अब ये हमारे पास जो है वो एक्सपो ग्लोबली इंस्टॉल हो गया। नेक्स्ट जो है वो हमें नया प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट करना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले फर्स्ट कमांड है हमारे पास एक्सपो इनिट और आगे आपके प्रोजेक्ट का नाम। तो हम यहाँ पे आएंगे कमांड लाइन में और लिखेंगे एक्सपो इनिट स्पेस RN-डैश कंप्लीट डैश टू डू डैश ऐप। ये हमारे प्रोजेक्ट का नाम होगा, RN-डैश कंप्लीट डैश टू डू डैश ऐप। हिट एंटर। तो ये नेक्स्ट अब आपसे पूछेगा कि आपको टेम्पलेट कौन सा चूज करना है। सो हमारे केस में हम लोग ब्लैंक टेम्पलेट चूज करेंगे जो, सो जस्ट हिट एंटर अगेन। ओके, प्रोसेस स्टार्ट हो गया। अब ये जो है वो हमारे पीसी के अंदर ऐप जो है वो उसको एक्सपो इनिशियलाइज करवा रहा है। सो हम ये देखेंगे, ये हमारे पास एक्सपो जो है वो ऐप जो है वो इंस्टॉल हो गई है फर्स्ट। तो यहाँ पे ये हमें कमांड शो कर रहा है कुछ। सबसे पहले हमें इस प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर जाना है जो हम लोगों ने क्रिएट किया है। उसके लिए कमांड है cd, cd स्टैंड्स फॉर चेंज डायरेक्टरी, cd स्पेस RN-डैश कंप्लीट डैश टू डू ऐप एंड हिट एंटर। ये देखें, ये वीडियो लेक्चर्स के अंदर ये हमारे पास फोल्डर है। अब हम इस फोल्डर के अंदर आ गए हैं। इसी तरह से हम लोग यहाँ पे CLI में भी इस फोल्डर के अंदर आ गए हैं। ये देखें, इन्होंने यहाँ पे भी यही बताया था कि सीडी के साथ सीडी स्पेस आपने प्रोजेक्ट का नाम लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास एक्सपो स्टार्ट करना है हम लोगों ने। एक्सपो स्पेस स्टार्ट हिट एंटर। ये जो है ये आपका एक्सपो का जो एनवायरमेंट है उसको इनिशियलाइज करवाएगा और वहां से फिर हम लोग जो है वो अपनी ऐप रन कर सकते हैं। सो ये यहाँ पे जो है वो हमारा एक्सपो इनिशियलाइज हो रहा है। ये कुछ टाइम लेगा थोड़ा सा। जैसे ही आपके पास एक्सपो इनिशियलाइज हो जाता है, आपके पास दो ऑप्शन होती हैं। फर्स्ट ये कि आप अपनी मोबाइल ऐप के ऊपर अपनी एप्लीकेशन को रन कर लें। उसके लिए आपको क्या करना होता है कि ये जो QR कोड है इसको स्कैन करना होता है। इसको स्कैन करने के लिए इससे पहले आपने अपने मोबाइल में एक्सपो क्लाइंट इंस्टॉल करना है और उसके अंदर इसको QR कोड को स्कैन करना है। तो आपकी आपकी जो एप्लीकेशन है वो आपके मोबाइल में रन हो जाएगी। और दूसरी ऑप्शन हमारे पास ये होती है कि हम लोग इसको एमुलेटर में रन करें। सो एमुलेटर में रन करने के लिए हमें यहाँ पे रन ऑन एंड्रॉयड डिवाइस और एमुलेटर इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके लिए जो है वो हमारे पास एमुलेटर इंस्टॉल होना चाहिए।
सो मैंने जो एमुलेटर एंड्रॉइड स्टूडियो में इंस्टॉल किया हुआ है, तो एंड्रॉइड स्टूडियो ऑन कर लेते हैं। एंड्रॉइड स्टूडियो लॉन्च हो गया है। यहाँ पे हमें कॉन्फ़िगरेशन में जाना है और कॉन्फ़िगरेशन के अंदर फर्स्ट ऑप्शन होगी एवीडी मैनेजर, इसके ऊपर क्लिक कर दें। सो यहाँ पे एवीडी मैनेजर के अंदर जो है वो आप अपनी डिफरेंट डिवाइस इंस्टॉल करते हैं, एमुलेटर्स इंस्टॉल करते हैं। सो मैंने यहाँ पे पिक्सल 2 का जो एमुलेटर है वो इंस्टॉल किया हुआ है और ये ग्रीन बटन है, तो इसको प्रेस करने से ये पिक्सल 2 वाला जो हमारा एमुलेटर है ये रन हो जाएगा। सो इसके ऊपर क्लिक कर दें। फर्स्ट टाइम पे जब हमारी एप्लीकेशन रन होती है तो व्हेन जावास्क्रिप्ट बंडलिंग अप, तो ये फर्स्ट टाइम पे काफ़ी टाइम लेती है, लेकिन उसके बाद जो जब हम एप्लीकेशन पे काम कर रहे होंगे तो ये काफ़ी स्पीड से जो है वो यहाँ पे जो हमारी चेंजेस हैं वो थ्रो करेगी और जल्दी जल्दी बंडल अप हो जाएगी, लेकिन फर्स्ट टाइम इट वुड टेक टाइम। मोबाइल में यहाँ नहीं चाहिए, आपके पास प्रोग्रेस ही हो रही है, सो आपको 100% तक होने का वेट करना है, देन आपकी एप्लीकेशन जो है इसमें रन हो जाएगी। जब तक ये हमारी ऐप जो है वो फर्स्ट टाइम रन हो रही है, हम लोग एपीआई देख लेते हैं हम लोग कौन सी यूज़ करेंगे। तो हम लोग बेसिकली जेसन प्लेस होल्डर जो है वो यूज़ करने जा रहे हैं। ये एक सर्विस है जो हमें फ्री एपीआई प्रोवाइड करती है। सो यहाँ पे हम नीचे आए तो ये हमारे पास डिफरेंट इसकी एपीआई है जिसमें से हम लोग ये टूडूज वाली एपीआई यूज़ करेंगे। सो ये मैंने टूडूज वाली एपी हिट की है, तो ये मुझे टूडूज की एक अरे मिल गई है जिसके अंदर हर एक टूडू जो है वो एक ऑब्जेक्ट है। सो यहाँ से हम लोग कुछ टूडूज कॉपी करेंगे और अपनी एप्लीकेशन में पेस्ट कर लेंगे, एक अरे में सेव कर लेंगे। और जो हम लोग एडिटर यूज करने जा रहे हैं अपनी एप्लीकेशन के लिए, विच इज विजुअल स्टूडियो कोड, तो विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करते हैं। और विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन फोल्डर पे जाते हैं और यहां पे हमें वो फोल्डर ओपन करना है, वीडियो लेक्चर्स के अंदर ये हमारी एप्लीकेशन का फोल्डर सिलेक्ट फोल्डर करें। तो ये अब हमारी जो एप्लीकेशन है वो विजुअल स्टूडियो कोड में लोड हो गई है। एमुलेटर पे वापस आते हैं, देखते हैं हमारी एप्लीकेशन अभी भी बंडल अप हो रही है, सो वेट करते हैं इसके बंडल अप होने का। हमारी जो फर्स्ट ऐप है वो मोबाइल में रन हो गई है। सो इट इज सेइंग ओपन अप ऐप डॉट जी एस एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ऐप। तो यहाँ पे जो हमारी सबसे मेन फाइल है जिसमें हम लोगों ने सबसे ज्यादा काम करना होता है, जिसमें बाकी सारे कंपोनेंट्स भी अटैच होते हैं, दैट इज ऐप डॉट जी एस। सो ये वो फाइल है जिसके अंदर आप सारे कंपोनेंट अटैच करते हैं और एट द एंड आपका प्रीव्यू यहाँ पे आपको नजर आता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हैं कंपोनेंट्स, और इस कंपोनेंट के अंदर एक फाइल बनाते हैं टू डू टू डूज डॉट जे एस। इसमें जब आप फाइल बना रहे हो एज अ कंपोनेंट, क्योंकि हमने इसको एज अ कंपोनेंट यूज करना है, तो आपने हमेशा ख्याल रखना है कि आपका जो फर्स्ट लेटर है इसमें वो कैपिटल हो।
अगर स्मॉल लेटर से आप स्टार्ट करेंगे तो वो एज अ कंपोनेंट आप यूज नहीं कर सकते, उसको रिएक्ट कंफ्यूज हो जाएगा कि ये वेदर इट इज यूज्ड एज अ कंपोनेंट। सो टू डूज और जे एस जो है वो हमारा मेन कंपोनेंट होगा, इसके अंदर हम लोग अपना सारा टू डूज का काम करेंगे। हमारा जितना भी टू डूज का व्यू हो सब इसी के अंदर जनरेट होगा और एट द एंड हम टू डूज को एप डॉट जे एस में कॉल करेंगे और हमारा सारा व्यू यहाँ पे नजर आएगा। तो फिलहाल यहाँ पे जो है वो मैं इसको फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट बना रहा हूँ, आर एफ सी ई। ये शॉर्टकट है फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट बनाने के लिए, और ये शॉर्टकट मैं इसलिए यूज कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है। एक्सटेंशन का नाम है दिस वन, ES React Redux GraphQL React Native Snippets। तो वापस आते हैं, ये मैं एक्सटेंशन दोबारा क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पे वापस आते हैं, तो इसने मुझे जो है वो React JS जैसा ही कंपोनेंट बना के दे दिया विद डिव। सो डिव हम लोग यहाँ पे React Native के अंदर यूज नहीं करते, इंस्टेड विल यूज व्यू। तो व्यू जो है वो हमें React Native से इम्पोर्ट करना पड़ेगा, तो हम लोग कहते हैं इम्पोर्ट फ्रॉम React Native, और हम लोग क्या इम्पोर्ट करने जा रहे हैं यहाँ से, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड व्यू, देन टेक्स्ट एंड देन स्टाइल शीट। सो डिव को जो है वो हम लोग यहाँ पे व्यू से रिप्लेस कर देते हैं, और यहाँ पे जो है हम लोग वेब के अंदर जब हम लोगों ने टेक्स्ट वगैरह लिखना होता है तो हम लोग या तो पैराग्राफ का टैग यूज करते हैं या फिर हम लोग H1, H2, H3, H6 तक ये हेडिंग्स यूज करते हैं, या फिर हम लोग टैग डिव के अंदर भी टैग डाल सकते हैं, टेक्स्ट डाल सकते हैं। सो यहाँ पे रिएक्ट नेटिव के अंदर आप ऐसा नहीं कर सकते, अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट टेक्स्ट लिखेंगे तो वो एरर थ्रो कर देगा, तो आपको टेक्स्ट जो है वो हमेशा यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर लिखना होता है। तो ये जो टेक्स्ट कंपोनेंट है ये रिएक्ट नेटिव हमें प्रोवाइड करती है, इसके अंदर हम लोग अपना टेक्स्ट लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, इसको सेव करते हैं, और ये वाला कंपोनेंट जो है वो अपनी रिएक्ट डॉट एप डॉट जे एस में कॉल करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम इम्पोर्ट करते हैं टू डूज, ऑटो इम्पोर्ट किया मैंने, अदरवाइज ये विजुअल स्टूडियो कोड जो है हमें अलाउ करता है कि हम लोग ऑटो इम्पोर्ट कर लें, अदरवाइज आपको ये खुद से मैनुअली इम्पोर्ट टू डू फ्रॉम आपको आगे पाथ देना पड़ेगा, फिर आप इस टू डूज को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो इसको सेव करते हैं और देखते हैं कि हमारा भी ये देखें चेंज हो गया, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया। सो नेक्स्ट स्टेप इज कि हम लोग यहाँ पे अपने टू डूज लोड करें। तो टू डूज के लिए हम लोगों ने कॉल की थी यहाँ पे एक API जेसन प्लेस होल्डर की, और यहाँ से मैं जो है वो फर्स्ट 15 जो टू डूज है वो पिक कर रहा हूँ, 14 एंड 15। तो 15 टू डूज मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे आके मैं एक अपने पास वेरिएबल बनाता हूँ टू डूज, ये हमारी एक अरे होगी, उस अरे के अंदर सारे हमारे टू डूज होंगे। सो ये 15 टू डूज हैं वो मैंने अरे के अंदर स्टोर कर दिए हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे इस इन टू डूज के ऊपर हम लोग लूप थ्रू करेंगे, और लूप थ्रू करके जो इसमें से इनका टाइटल है वो हम लोग यहाँ पे स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाएंगे अपने पास मोबाइल स्क्रीन पे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ टू डूज डॉट, अभी के लिए मैं मैप यूज कर रहा हूँ, टू डू और यहां पे मैं इसको टेक्स्ट के अंदर सिर्फ टू डू का टाइटल लिखवाऊंगा, टू डू डॉट टाइटल। सो मैप जो है वो इस अरे के ऊपर लूप थ्रू करेगा और हर दफा हर आइटम में से टाइटल निकाल के यहाँ पे रिटर्न कर देगा। सो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैप जो है वो एक नई अरे रिटर्न करता है, तो हमें एक वेरिएबल में स्टोर करनी है कॉन्स्ट माई टू डूज, ये मैंने एक वेरिएबल ले लिया और इस वेरिएबल को मैं यहाँ पे
कॉल कर लेता हूँ। सो सेव करते हैं। ये हमारी एप्लीकेशन रन होगी यहाँ पे, और आप जैसा कि आप देख सकते हैं ये सारे के सारे टू डूज यहाँ पे हमारे पास 15 यहाँ पे आ गए हैं। सो नेक्स्ट थिंग इज कि हम लोग यहाँ पे स्टाइल के साथ इनको थोड़ा सा स्टाइल करते हैं, थोड़ा फॉन्ट साइज बड़ा करते हैं, क्योंकि मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे स्क्रॉल से रेलिवेंट। हमारे पास लिस्ट हो गए हैं सारे टू डूज, हम इसका थोड़ा सा साइज है वो इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हम लोग जावास्क्रिप्ट स्टाइलिंग यूज करते हैं। स्टाइल के अंदर हमें एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट पास करना होता है, तो मैं यहाँ पे डालना चाहता हूँ फॉन्ट साइज, क्योंकि जावास्क्रिप्ट स्टाइलिंग है तो हम लोग फॉन्ट डैश साइज यूज नहीं करते, इंस्टेंट डैश रिमूव हो जाता है और नेक्स्ट जो आपका वर्ड होता है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाता है। तो फॉन्ट साइज, और यहाँ पे मैं फॉन्ट साइज रखना चाह रहा हूँ 32। सेव करते हैं। तो ये देखें, ये जो हमारी एप्लीकेशन है इसमें टू डूज जो है वो स्क्रीन से बाहर चले गए हैं, लेकिन हम लोग डिफॉल्ट यहाँ पे स्क्रॉल नहीं कर सकते। तो रिएक्ट नेटिव के अंदर ये बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है कि आपके पास स्क्रॉल नहीं आता, लेकिन अगर आप वेब से वेब में काम कर रहे हैं और आप यहाँ पे रिएक्ट नेटिव पे शिफ्ट हो रहे हैं तो आप शायद अज्यूम करेंगे कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली स्क्रॉल आ जाएगा जैसे ब्राउजर में आता है, तो ऐसा नहीं होता। हमें स्क्रॉल जो है वो खुद से इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है। सो यहाँ पे अगर हमें स्क्रॉल चाहिए तो रिएक्ट नेटिव हमें एक कॉम्पोनेंट देती है विच इज स्क्रॉल व्यू। ये स्क्रॉल व्यू हमें रिएक्ट नेटिव से इंपोर्ट करना होता है और फिर हम उसके अंदर अपनी जो डाटा है वो इसको पास करते हैं। और ये स्क्रॉल व्यू जो है वो हम लोग ने यहाँ पे रिएक्ट नेटिव से इंपोर्ट किया। सो अब अगर मैं अपनी एप्लीकेशन को स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन कर सकता हूँ इजीली। रिएक्ट नेटिव के अंदर जो है वो हमें इस तरह से लिस्ट बनाने के लिए जो है वो कंपोनेंट अवेलेबल है। तो लेट्स मूव टू रिएक्ट नेटिव, और यहाँ पे हम लोग जो है वो लिस्ट व्यू यूजिंग लिस्ट व्यूज पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास स्क्रॉल व्यू हम लोगों ने ऑलरेडी टेस्ट कर लिया है। उसके बाद हमारे पास सेकंड ऑप्शन है फ्लैट लिस्ट, विच इज अ बेटर ऑप्शन। तो हम लोग फ्लैट लिस्ट की तरफ जाते हैं, तो फ्लैट लिस्ट जो है वो भी हमें रिएक्ट नेटिव से इम्पोर्ट करनी पड़ती है, उसके बाद हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं फ्लैट लिस्ट जो है वो कॉपी करता हूँ। और मैं यहाँ पे इसको इस सब की जगह पे यहाँ पे हम लोग एक व्यू लेते हैं और उस व्यू के अंदर अपनी फ्लैट लिस्ट को कॉल कर लेते हैं। ये हमें इंपोर्ट करनी है बेसिकली फ्लैट लिस्ट, तो इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे रिएक्ट नेटिव से इंपोर्ट भी कर लेते हैं सो दैट वी कैन इजीली यूज इट। तो फ्लैट लिस्ट के अंदर जो फर्स्ट एट्रीब्यूट है विच इज डाटा एट्रीब्यूट, यहाँ पे हमें डाटा प्रोवाइड करना होता है। तो यहाँ पे एक हमारे पास अरे ऑलरेडी बनी हुई है डाटा की विच इज दिस वन टू डूज, तो ये हम लोग यहाँ पे इसको एज अ डेटा पास करेंगे फ्लैट लिस्ट को। उसके बाद इसका जो सेकंड एट्रीब्यूट है दैट इज रेंडर आइटम। रेंडर आइटम जो है वो एक फंक्शन लेता है और उस फंक्शन के अंदर जो है मैं ये आइटम्स को रेंडर करके रिटर्न करवाता है। सो यहाँ पे हम लोग जो है वो इसको ये लिस्ट पास करें टू डूज की, और एज अ टू डू सिंगल आइटम यहाँ पे पास होगा, और यहाँ पे हम लोग उसकी जो है वो आइटम डॉट की एक्सेस करें। तो यहाँ पे हम लोग आइटम डॉट बेसिकली टाइटल एक्सेस करते हैं। द बेसिक पर्पज इज कि हम लोग अपना जो डाटा है वो फ्लैट लिस्ट के थ्रू शो करें यहाँ पे अपने मोबाइल के अंदर, विच इज अ बेटर वे, क्योंकि फ्लैट लिस्ट जो है वो आपको काफी ऑप्टिमाइजेशन देती है कि अगर आपकी लंबी लिस्ट है तो ये जितनी स्क्रीन के ऊपर चीजें लोड हो रही होती हैं उतनी ही लोड करती है, और जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते हैं फिर बाकी चीजें लोड करती है। सो आपकी जो एप्लीकेशन है वो काफी ऑप्टिमाइज हो जाती है। तो यहाँ पे रेंडर आइटम के अंदर ये वही हमारे पास एरो फंक्शन है, इसके अंदर यहाँ पे जो आइटम लिखी हुई है यहाँ पे टू डू की सिंगल आइटम हर दफा पास की जाएगी, और उसके अंदर से फिर हम लोग यहाँ पे डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो फॉर नाउ वी आर गेटिंग जस्ट टेक्स्ट हेयर आउट ऑफ हेयर, और यहाँ पे एक स्टाइल लगा हुआ है स्टाइल स्टोर आइटम, तो यहाँ पे हम लोग स्टाइल बना लेते हैं विच इज वी आर गोइंग टू मेक दी स्टाइल शीट। उससे पहले ये जो हम लोग मैप यूज कर रहे थे इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं, इसकी अब हमें जरूरत नहीं है। और स्टाइल शीट जो है वो हम लोग रिएक्ट नेटिव की स्टाइल शीट यूज करके बनाते हैं।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टाइल शीट का एक मेथड है हमारे पास क्रिएट। इस मेथड के अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट नेम है आइटम हमारे पास, और आइटम को हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पे हम लोग इसको फॉन्ट साइज लेट्स से 20 असाइन कर देते हैं। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे स्टाइल का एट्रीब्यूट लगा के स्टाइल्स डॉट आइटम एक्सेस कर रहे हैं। बेसिकली स्टाइल्स जो है वो हमारा एक वेरिएबल होगा, कॉन्स्ट स्टाइल्स इक्वल्स। तो ये जो पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट है ये हम लोग इस वेरिएबल को साइन कर रहे हैं, और फिर इस वेरिएबल के साथ हम लोग इजिली एक्सेस कर सकते हैं इसके अंदर वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं। तो यहाँ पे हम लोग स्टाइल एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं, जैसे हम लोग सीएसएस के अंदर यूज करते हैं, वेब के अंदर यूज करते हैं, और उस स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग अपना स्टाइल ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, विच इज स्टाइल्स डॉट आइटम, ये वाला ऑब्जेक्ट। सो लेट्स सेव इट। तो ये हमारे पास जो है वो लिस्ट हमारी यहाँ पे रेंडर हो गई है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो ये स्क्रीन के साथ जो है हमारे टू डूज हैं वो हर तरफ से बिल्कुल साथ अटैच हुए हैं। तो हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे ये हेडर के पीछे भी जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग कुछ स्पेस बनाते हैं। सो उसके लिए हमें क्या करना है, ये जो व्यू है इसके ऊपर कुछ स्टाइलिंग अप्लाई करनी है। तो इसको मैं एक स्क्रीन का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, स्क्रीन, और स्क्रीन में हम इसको कहते हैं मार्जिन, और पैडिंग यूज कर सकते हैं, व्हाट एवर पैडिंग, टॉप 20 और पैडिंग 'Horizontal'। अब ये जो पैडिंग हॉरिजॉन्टल है ये वेब के अंदर नहीं होता, ये रेक्ट नेटिव के अंदर हमें मिलता है। पैडिंग हॉरिजॉन्टल का मतलब है कि दोनों साइडों पे पैडिंग दे दो। सो ये भी मैं 20 सेट कर रहा हूँ लेफ्ट और राइट पे। सो लेट्स अप्लाई दिस। यहाँ पे हम लोग आते हैं व्यू पे और स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करते हैं, और यहाँ पे हम लोग इसे कहते हैं स्टाइल्स डॉट स्क्रीन, सेव करते हैं। ऊपर से हमें थोड़ी सी और स्पेस चाहिए, दोनों साइडों पे ठीक होगी, लेकिन वी नीड मोर स्पेस फ्रॉम टॉप। तो यहाँ पे हम इसको 25 कर देते हैं। सो इट्स गुड फॉर नाउ। सो हमारी स्क्रीन एडजस्ट हो गई है। नेक्स्ट स्टेप इज के हम लोग जो ये हमारे टू डूज हैं इनको टचेबल बनाएं। सो मैं यहाँ पे क्लिक करके कुछ एक्शन परफॉर्म कर सकूँ। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज टचेबल हाईलाइट और टचेबल ओपेसिटी, ठीक है, ये दोनों कोई भी आप इनमें से यूज कर सकते हैं। तो लेट्स से टचेबल हाईलाइट पे चले जाते हैं। तो टचेबल हाईलाइट पे यहाँ पे ये जो कंपोनेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू इम्पोर्ट दिस फ्रॉम रिएक्ट नेटिव। तो यहाँ पे रिएक्ट नेटिव से हम इसको इम्पोर्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे इसको हम लोग यूज करते हैं। सो जो हमारा टेक्स्ट वाला कंपोनेंट है बेसिकली वो मैं रैप करने जा रहा हूँ टचेबल हाईलाइट के अंदर। सो ये टचेबल हाईलाइट आ गया, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग, उसके अंदर मैं ये टेक्स्ट जो है वो अपना कट करके पेस्ट कर देता हूँ। सो अब हमारा जो टेक्स्ट है वो टचेबल हाईलाइट के अंडर आ गया। टचेबल हाईलाइट में हमारे पास यहाँ पे एट्रीब्यूट ये सारे अवेलेबल हैं। इसमें एक्टिव ओपेसिटी है कि कितनी, जो जब हम इसके ऊपर क्लिक करें तो ओपेसिटी इसकी कितनी होनी चाहिए, तो 0.6 फॉर नाउ। और यहाँ पे मैं एक इवेंट पास करने के लिए, जैसे हम लोग वेब के अंदर ऑन क्लिक यूज करते हैं, यहाँ पे हमारे पास होता है ऑन प्रेस। सो ऑन प्रेस का इवेंट मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, और यहाँ पे मैं एक फंक्शन कॉल कर लेता हूँ। फंक्शन अभी हम लोगों ने बनाया नहीं, यहाँ पे बना लेते हैं, विच इज ऑन टू डू प्रेस गोइंग टू बी एन एरो फंक्शन। और यहाँ पे हम लोग सिर्फ सिंपल अलर्ट जनरेट करवा देते हैं, अलर्ट इज गोइंग टू बी सक्सेस। और यहाँ पे ऑन टू डू प्रेस कॉल कर लेते हैं। ओके सेव करते हैं, लेट्स सी। अब अगर मैं किसी कांट फाइंड वेरिएबल ऑन टू डू
तो यहाँ पे हम इसको वेरिएबल बनाना भूल गए बेसिकली। ओके, तो अब मैं अगर किसी टू डू के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ये हल्की सी ओपेसिटी आपको चेंज होती हुई पीछे से नजर आ रही है। ठीक है, ये हम लोगों ने फंक्शन कॉल किया, अब हमारा फंक्शन चलना स्टार्ट हो गया। सो ऑन प्रेस के ऊपर ये ओपेसिटी चेंज हुई, हाईलाइट हुआ बेसिकली, और ये हमारे पास मेथड जो है ये ऑन प्रेस वाला ये भी चलना स्टार्ट हो गया। इसकी हम थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं सो दैट के जो हमारे टू डूज हैं वो प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले हो जाए। सबसे पहले मुझे टॉप से थोड़ी और स्पेस चाहिए, तो मैं इसको स्क्रीन को ऊपर से पैडिंग टॉप 30 कर देता हूँ। ओके दैट्स फाइन। अब ये जो हमारी आइटम है एक विच इज रेफरिंग टू दिस, यहाँ पर हम लोग कुछ स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं। लेट से मुझे बॉर्डर लगाना है यहाँ पे, तो बॉर्डर बॉर्डर विथ वुड बी टू, और बॉर्डर कलर जो है वो मैं लाइट ग्रे देना चाहता हूँ विच इज सी सी सी, और इसके नीचे जो है वो हर टू के नीचे मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी मेरे पास स्पेस हो, तो मार्जिन बॉटम 10 और हर टू डू के अंदर भी मुझे स्पेस है। लेट्स से अभी इतना सेव करते हैं और देखते हैं। अभी देखिए ये बॉर्डर्स आ गए हैं, लेकिन मुझे हर एक टू डू के अंदर स्पेस चाहिए, तो उसके लिए मुझे पैडिंग देनी पड़ेगी चारों साइडों पे। स्पेस दे दो 20। सो ये अब हमारे टू डूज काफी रिफाइन हो गए। सो नेक्स्ट हमारा स्टेप जो है उसमें ये है कि हम लोग इस टू डू के ऊपर जब हम क्लिक करें तो ये टू डू जो है वो डिलीट हो जाना चाहिए। सो लेट्स मूव टू दैट स्टेप। उसके लिए हमें जो है वो स्टेट रिक्वायर होगी यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं यूज यूज स्टेट, और जो यूज स्टेट है ये हमें इंपोर्ट भी करनी है रिएक्ट से। ओके, अब जो हमारी अरे है हम लोग इसको अपनी स्टेट में स्टोर करवाएंगे, तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास ये वाली अरे पास करेंगे हम लोग। ओके, और यहाँ पे ये हमारा आ जाएगा टू डू और सेट। सेट टू डू, टू डूज, स्टेट और सेट टू डूज स्टेट, इस तरह से कर लेते हैं, इट वुड बी इजी फॉर अस। तो यहाँ पे इस वेरिएबल के अंदर हमें ये सारे टू डूज मिलेंगे, और इसके थ्रू हम लोग एक इट वुड बी अ फंक्शन जिसके थ्रू हम लोग अपनी स्टेट जो है उसके अंदर प्ले कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं चीजों को। अब जो हमारी लिस्ट है जो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट ऊपर से अरे पास कर रहे थे, वहां पे हम लोग ये हुक वाली अरे पास करते हैं, बेसिकली स्टेट से अरे लेके यहाँ पे पास करते हैं। तो सेव करते हैं, लेट्स सी के एप्लीकेशन में कोई चेंज तो नहीं आया, तो ये रिफ्रेश हो रही है एप्लीकेशन और हमारे टू डूज वैसे ही लोड हो गए। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इस टच के ऊपर हमें इस अरे के अंदर से वो चीज रिमूव करनी है जिसके ऊपर टच हो रहा है, वो टू डूज हमें रिमूव करना है जिसके ऊपर हम लोग क्लिक कर रहे हैं। तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये फंक्शन जो है ये हुक से नीचे यहाँ पे लेके आना पड़ेगा इस फंक्शन के अंदर, ताकि हम लोग हुक्स को यूज कर सकें इसके अंदर। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ने बेसिकली अलर्ट को रिमूव कर देते हैं, और यहाँ पे हम लोग ये फंक्शन कॉल करेंगे सेट टू डू, और इसके अंदर हम लोग ने जो टू रूल्स हैं उसके ऊपर फिल्टर अप्लाई करेंगे, और फिल्टर के अंदर हम लोग कंडीशन पास करेंगे कि वो टू डू या वो आइटम जिसकी आईडी जो है
उस आईडी से मैच हो रही हो जो हम लोग जिसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं। तो बेसिकली हमें यहाँ से आईडी भी पास करनी पड़ेगी। लेट्स सी, वो अभी हम लोग यहाँ पे एक आईडी भी पास करते हैं। सो आइटम डॉट आईडी इज नॉट इक्वल टू आईडी, आईडी हम लोग यहाँ पे पास करेंगे। सो इन शॉर्ट हम इसको ये कहना चाह रहे हैं कि जो आईडी यहाँ पे पास किया जा रहा है आप उसको पूरी अरे में चेक करो, जो आईडी उसके साथ मैच करता है वो आपने रिटर्न नहीं करना, बाकी सारे के सारे रिटर्न कर देने हैं। सो लेट्स सी, यहाँ पे ऑन प्रेस को हम लोग डॉट बाइंड करते हैं, और डॉट बाइंड में हम लोग यहाँ पे यूज करते होते हैं दिस, और दिस के साथ हमें यहाँ पे बेसिकली आईडी चाहिए। तो आईडी ये हम लोग क्योंकि रेंडर आइटम के अंदर है, यहाँ पे हमारे पास पूरी आइटम की एक्सेस है, तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं आइटम डॉट आईडी, ये वाला आईडी तो सेव करते हैं। तो लेट्स सी, मैं सबसे टॉप वाले पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ से रिमूव हो गया। मैं सेकंड वाले पे क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ से रिमूव हो गया। सो ऑन टच के ऊपर यहाँ से हमारे पास ये रिमूव होने शुरू हो गए। अब हमारे पास लास्ट स्टेप है कि यहाँ पे हम लोगों के पास एक फॉर्म हो, एक इनपुट फील्ड हो और एक बटन हो। उस बटन के उस इनपुट फील्ड के अंदर आप अपना टेक्स्ट फिलअप करें और बटन के ऊपर क्लिक करें तो ये जो टू डू है, नया टू डू, वो हमारे पास लिस्ट में एड हो जाए। एड टू डू के लिए जो है हमें अपनी स्क्रीन को दो पोर्शन में डिवाइड करना पड़ेगा। एक हमारे पास हेडर होगा और बाकी ये जो हमारी जो टू डूज लिस्ट हो रहे हैं ये बॉडी में चले जाएंगे। तो हमें यहाँ पे आना है अपनी स्क्रीन के अंदर और यहाँ पे दो व्यूज यूज करेंगे हम लोग, ये हेडर के लिए एंड अनदर वन टू डिस्प्ले आवर टू डूज। तो फ्लैट लिस्ट जो है वो मैं सेकंड वाले के अंदर पेस्ट कर देता हूँ और फर्स्ट वन के अंदर अभी के लिए मैं जस्ट एक टेक्स्ट लिख रहा हूँ, बाद में हम लोग इसको अभी प्रॉपर फॉर्म बनाएंगे यहाँ पे। Add to do goes here. Okay, तो अब हमें स्टाइलिंग करनी है स्क्रीन के बाद। हमें एक चाहिए हेडर एंड वी ऑल्सो नीड अ बॉडी ऑब्जेक्ट। स्क्रीन को हम लोग कहते हैं फ्लेक्स वन, के पूरी पूरी स्पेस यूज करो, जितनी भी आपके पास है सारी यूटिलाइज करो। और हेडर को हम लोग पूरी स्क्रीन का 20% दे देते हैं और बॉडी को पूरी स्क्रीन का 80%। सो फ्लेक्स 8 का मतलब है कि टोटल जो है हमारे पास, फ्लेक्स 1 का मतलब है कि पूरी स्क्रीन को जितनी भी स्पेस है वो सारी कैप्चर कर लो। उसके बाद जो इसके डायरेक्ट चाइल्ड होते हैं उसके अंदर हम लोग जितने फ्लेक्स के आगे वैल्यू लिखते जाते हैं उतने पोर्शन में इसको डिवाइड कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वो हमारे पास ये स्क्रीन है और इस स्क्रीन के अंदर दो व्यूज हैं, दिस वन एंड दिस वन। इसको मैंने वैल्यू दिया 2 और इसको वैल्यू दिया मैंने 8, ये है 2 और ये है 8। तो टोटल जो स्क्रीन के पार्ट्स बनेंगे वो बनेंगे 10, उसमें से दो पार्ट्स जो है वो हेडर को दे दिए जाएंगे और 8 पार्ट्स जो है वो बॉडी के पास रहेंगे। तो स्टाइल इंप्लीमेंट करते हैं, लेट्स सी, स्टाइल इक्वल्स स्टाइल्स डॉट हेडर स्टाइल स्टाइल्स डॉट बॉडी, सेव करते हैं। लेट्स सी, तो अब ये जो बॉडी है ये देखिए ये नीचे आ गया और ऊपर हमारे पास जो है वो स्पेस आ गई है हेडर के लिए। सो व्हाट वी नीड टू डू नेक्स्ट, के यहाँ पे हम लोग अपना फॉर्म जनरेट करें। तो उसके लिए ये मैं हेडर के अंदर एक व्यू ले रहा हूँ। व्यू इज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हेयर रिएक्ट नेटिव, तो यहाँ पे हमें हर चीज के लिए व्यू यूज करना पड़ता है। इस व्यू के अंदर ये मैं टेक्स्ट रिमूव कर रहा हूँ और यहाँ पे मुझे एक इनपुट टेक्स्ट फील्ड चाहिए और एक बटन चाहिए। सो यहाँ पे आते हैं रिएक्ट नेटिव में और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इनपुट टेक्स्ट इनपुट सो ये टेक्स्ट इनपुट है, ये हमें रिएक्ट नेटिव से इंपोर्ट करनी पड़ती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको इंपोर्ट करते हैं। ये हम लोगों ने इंपोर्ट किया। नेक्स्ट ये इनपुट जो है वो हम लोग अपने पास यहाँ पे हेडर में डाल देते हैं।
ओके स्टाइल में हम लोगों ने ये बाय डिफॉल्ट कुछ प्रॉपर्टीज लगी हुई है, हाइट लगी हुई है 40, बॉर्डर कलर ग्रे, बॉर्डर विथ स्वान। अगर ये प्रॉपर्टीज नहीं होंगी तो ये आपकी जो इनपुट है वो डिस्प्ले नहीं होती बाय डिफॉल्ट, तो हमें इसको हाइट और बॉर्डर एटलीस्ट देना पड़ता है, फिर ये डिस्प्ले होती है। तो ऑन चेंज का इवेंट कॉल हुआ है यहाँ पे। ऑन चेंज के इवेंट के ऊपर हम लोग एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं ऑन चेंज टैग्स, ये भी हमारे पास नहीं है लेकिन हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। कॉन्स्ट ऑन चेंज टेक्स्ट, ये क्या फंक्शन होगा। और अभी के लिए बस हम इसमें कंसोल करवा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, ये जो हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट पास कर रहे हैं वो हम लोग यहाँ पे रिसीव करते हैं और यहाँ पे हम लोग इसको कंसोल करवा रहे हैं। That's it. और अब हमें चाहिए एक बटन, ये वैल्यू के अंदर वैल्यू पास की हुई है। बेसिकली ये जो टेक्स्ट इनपुट है ये हमें इसके लिए भी एक स्टेट मेंटेन करनी पड़ेगी, तो वो मेंटेन कर लेते हैं अदरवाइज थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो हम लोग सिंपली यूज स्टेट करते हैं, यूज स्टेट एनदर, और यहाँ पे मैं कहता हूँ इनपुट टेक्स्ट और सेट इनपुट टेक्स्ट, और इनिशियली जो है वो हम यहाँ पे एम्प्टी पास कर देते हैं। ओके यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास प्लेस होल्डर, और प्लेस होल्डर के अंदर मैं यहाँ पे टेक्स्ट पास करता हूँ एड टू डू। इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू अब मैं स्टेट में से उठाऊंगा, जो भी हमारे पास स्टेट में टेक्स्ट पड़ा होगा वो यहाँ पे एज एन वैल्यू शो हो जाए, ठीक है। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट स्टेट जो है वो हमारी एम्प्टी है। उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज के ये ऑन चेंज टेक्स्ट के ऊपर ओके नेक्स्ट थिंग इज के ऑन चेंज टेक्स्ट के ऊपर हमें ये स्टेट अपडेट करनी है। तो बेसिकली ये मैं फंक्शन कॉल करूंगा और यहाँ पे मैं टेक्स्ट जो मेरे पास जो भी यूजर ने चेंज किया वो यहाँ पे स्टेट में अपडेट हो जाएगा। सो लेट्स सेव इट और देखते हैं कि हमारी एप्लीकेशन तो ब्रेक नहीं कर रही, ठीक है एप्लीकेशन ब्रेक नहीं कर रही और हमारे पास ये इनपुट फील्ड भी आ गई है। इसमें यहाँ पे हमें पैडिंग भी देनी चाहिए थोड़ी सी, तो पैडिंग लेफ्ट 10, ओके पैडिंग लेफ्ट टाइम हमें मिल गई। नेक्स्ट हमें एक बटन चाहिए, तो यहाँ पे हम आते हैं रेक नेटिव पे और एक बटन को ग्रैब करते हैं बटन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बटन जो है वो भी हमें रिएक्ट नेटिव से इंपोर्ट करना होता है, तो हम लोग इसको इंपोर्ट कर लेते हैं बटन को, अपने प्रोजेक्ट में आते हैं और रिएक्ट नेटिव से इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट थिंग क्या, अब हमें इस बटन को यूज करना है। सो ये मैं बटन कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से और अपनी एप्लीकेशन में आके इनपुट के नीचे हम लोग ये इनपुट टेक्स्ट है हमारा, इसके नीचे हम लोग ये बटन डाल देते हैं। सो ओके सिंपल सा टाइटल है इसका प्रेस मी, प्रेस मी को हम लोग कर देते हैं प्रेस मी टू ऐड न्यू टू डू, सेव करते हैं। तो अभी हमारे पास यहाँ पे बटन आ गया। स्टाइल इंप्लीमेंट करते हैं, इसके नीचे हमें स्पेस चाहिए थोड़ी सी, तो हम लोग इसको कहते हैं मार्जिन बॉटम 20, सॉरी 10। ओके अब
अभी हमारे पास हेडर है, यहाँ पे हम लोग कुछ टेक्स्ट लिखेंगे और जब ऐड करें तो वो हमारे पास यहाँ पे जो नए टू डूज है उसके अंदर ऐड हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले जो मेरे पास टू डूज है मैं इनकी क्वांटिटी कम कर देता हूँ ताकि हम इसको देख सकें। हम लोग यहाँ पे सिर्फ 5 टू डूज रखते हैं अपने पास और बाकी सारे रिमूव कर देते हैं ताकि हम जो नए ऐड कर रहे हैं उनको हम लोग इजीली देख सके, हमें बार बार स्क्रॉल ना करना पड़ा। तो ये मैंने सेव कर दिया। ओके सो अब हमारे पास जो टेक्स्ट आएगा बेसिकली इस इनपुट के अंदर जो भी यूजर टेक्स्ट ऐड कर रहा है वो हमें टेक्स्ट उठा के यहाँ पे इस लिस्ट के अंदर ऐड करना है। सो यहाँ पे इस ऑन प्रेस के ऊपर मुझे एक फंक्शन कॉल करना है। फंक्शन होगा एड न्यू टू डू, इट इज गोइंग टू बी एन एरो फंक्शन टू, और ये कॉन्सोल रिमूव कर देते हैं हम, इसकी जरूरत नहीं है। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, एड न्यू टू डू के अंदर हमें यहां पे जो है वो एक नया टू डू ऐड करना है। तो बेसिकली ये सेट टू डू का फंक्शन मैं कॉल करूंगा। रिएक्ट जेएस के अंदर या रिएक्ट नेटिव के अंदर भी जब हम क्लास बेस्ड कंपोनेंट यूज करते हैं तो हम लोग दिस स्टोर सेट स्टेट के साथ अपनी स्टेट को अपडेट करते हैं। यहाँ पे जो हम लोग हुक्स यूज कर रहे हैं ये बेसिकली लेटेस्ट फीचर है रिएक्ट का। सो इसके अंदर जो है दिस स्टोर सेट स्टेट जो है ना वो जो आपकी पुरानी स्टेट होती है उसके साथ नई स्टेट को मर्ज करता है। यहाँ पे ये मर्ज नहीं करता तो हमें खुद मैनुअली स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू ये चीजें मैनेज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लोग जो सेट टू डू करवा रहे हैं इसमें हमें क्या करना है कि पहले एक स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू इस अरे की कॉपी चाहिए हमें, और स्प्रेड ऑपरेटर में जब हम नेक्स्ट आर्गुमेंट पास करते हैं तो वो उस अरे के अंदर ऐड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ, इस ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास ये 3 चीजें होंगी। आईडी जो है वो हम लोग इसी की लेंथ उठाते हैं, सो अगर उसमें 3 पड़े हैं तो इसको फोर्थ वन आईडी मिल जाएगा, अगर फोर्थ 4 पड़े हैं तो इसको 5 मिल जाएगा। फॉर फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए हम लोग इस तरह से चल रहे हैं, बाद में हम लोग एपीआई कॉल करेंगे तो मैकेनिज्म ज्यादा बेहतर हो जाएगा। और टाइटल जो है वो हमें जो हमारे पास यहाँ पे स्टेट में यूजर ने जो भी रखा हुआ है वो चाहिए, यानी कि इनपुट टेक्स्ट ये वाला चाहिए हमें। तो ये हम लोग यहाँ पे टाइटल ये टेक्स्ट उठा लिया हम लोगों ने डायरेक्टली, और कंप्लीटेड जो है वो हमें फॉल्स मार्क कर दिए। सो ये जो मेथड है जो हम लोगों ने बनाया है ये हमें यहाँ पे बटन के ऑन प्रेस के ऊपर कॉल करना है। सो लेट्स सी कि हमारी एप्लीकेशन चलती है कि नहीं। तो यहाँ पे आते हैं एप्लीकेशन में और यहाँ पे मैं कहता हूँ एड न्यू टू डू हियर, और मैं बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे कोई हम लोगों से मिस्टेक हुई है, लेट्स सी। यस ये जो टेक्स्ट है ये हम लोगों ने यहाँ पे कैपिटल डी के साथ पास किया है। तो सेव करते हैं और अब चेक करते हैं। मैं कहता हूँ न्यू टू डू और ऑन प्रेस के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो देखते हैं कि नीचे हमारा जो टू डू है वो ये देखें ऐड हो गया। अब एक और चीज कर सकते हैं कि जैसे ही नया टू डू ऐड हो यहाँ से ये टेक्स्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला फंक्शन जो है बेसिकली स्टेट को हमें क्लियर करवाना है। तो ऐड न्यू टू डू के बाद यहाँ पे हम लोग स्टेट को दोबारा एम्प्टी करवा देते हैं। लेट्स सी न्यू टू डू अनदर प्रेस क्लिक। अब ये देखें ये हमारे पास एंड न्यू टू डू एंड अदर आ गया और ये हमारी इनपुट क्लियर होगी, सो दैट यूजर यहाँ पे नया टू डू लिख सकता है और वो नया टू डू हम हमारी एप्लीकेशन में ऐड कर सकता है। सो यहाँ तक का फ्लो हमारा कंप्लीट हो गया। हम लोग नया टू डूज ऐड कर सकते हैं, इसमें जो हमारे पास एग्जिस्टिंग है उनको डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो पार्ट टू होगा एप्लीकेशन का, उसके अंदर हम लोग जो है वो एपीआई कॉलिंग जो है वो उनको करेंगे और ये जो हम लोगों ने स्टैटिक अरे यहाँ पर रखी हुई है इसको खत्म कर देंगे, इसकी जगह पे एपीआई कॉल करके अरे लेके आएंगे। और यहाँ पे जब हम लोग इसको डिलीट कर रहे हैं तो इसकी बेस के ऊपर भी हम लोग एक एपीआई कॉल करेंगे ताकि हम इसको सर्वर के ऊपर भी डिलीट कर सकें। सो लेट्स मूव टू द स्टेप नंबर टू और हम लोग एपीआई कॉल करते हैं सबसे पहले। तो हमें जेसन प्लेस होल्डर पर जाना है
और जेसन प्लेस होल्डर पे हम लोगों ने जो है ये बेसिकली फेच एपीआई के थ्रू हम लोग डाटा फेच करेंगे और अपनी स्टेट को अपडेट करेंगे इससे। सो यहाँ पे हमारा क्योंकि फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट है तो हम लोगों को यूज इफेक्ट हुक यूज करनी पड़ेगी, तो हम लोग यूज करते हैं यूज इफेक्ट जो है वो हमें इम्पोर्ट करनी होती है रिएक्ट से, इट्स अ रिएक्ट हुक। ओके सो वापिस आते हैं यूज स्टेट के ऊपर। यूज स्टेट का जो सिंटेक्स है इसमें हम लोग जो है वो सबसे पहले एक फंक्शन कॉल करते हैं, उस फंक्शन के दो पार्ट होते हैं, यहाँ पे हमारा इफेक्ट आता है और यहाँ पे हम लोग क्लीन अप करते हैं कि इस कॉल के बाद अगर किसी चीज को क्लीन अप करना है तो हम लोग यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे हम लोग अगर अरे पास करते हैं तो ये कंपोनेंट डेट माउंट की तरह बिहेव करता है कि एक ही दफा, क्योंकि हमने कॉलिंग करनी है तो वी वुड लाइक यूज इफेक्ट जो है वो एक ही दफा रन हो जस्ट फर्स्ट टाइम जब कंपोनेंट हमारा माउंट हो रहा है। तो यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर ये मैं बाकी सारी चीजें उड़ा देता हूँ, यहाँ पे हम लोग वो अपनी कॉलिंग करेंगे एपीआई की। तो एपीआई कॉलिंग करने के लिए यहाँ पे हम लोग जेसन डॉट प्लेस होल्डर पे आएंगे, जेसन प्लेस होल्डर पे, और ये कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। सो यहाँ पे टू डूज के बाद हमें जितने टू डूज चाहिए उतनी हमें यहाँ पे लिमिट बतानी पड़ती है। तो उसका सिंटेक्स ये है, क्वेश्चन मार्क अंडरस्कोर लिमिट इक्वल्स, लेट से मैं कहता हूँ कि मुझे 5 चाहिए, तो यहाँ पे मुझे 5 मिल जाएंगे। उसके बाद देन रिस्पॉन्स के अंदर प्रॉमिस बेस, क्योंकि फेच हमें प्रॉमिस बेस रिटर्न करता है, सो प्रॉमिस जैसे ही फुलफिल होगा तो देन के अंदर हमें रिस्पॉन्स मिलेगा। इसको हम लोग जेसन में कन्वर्ट कर रहे हैं और इस जेसन को फिर हम लोग कंसोल करवा रहे हैं। सो कंसोल नहीं करवाएंगे हम लोग यहाँ पे, बल्कि अपनी जो स्टेट है उसको अपडेट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं फंक्शन कॉल करूंगा और यहाँ पे मैं इसको, ये जो मेरा डाटा जो जेसन में कन्वर्ट हुआ ये इसको पास कर दूंगा, और ये वाली जो अरे है ये अब हम लोग यहाँ से खत्म कर देते हैं। और यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ कि जब आप एप्लीकेशन स्टार्ट होगी तो मेरे पास एक एम्प्टी अरे पड़ी होगी, और बाद में एपीआई कॉल करेंगे और एपीआई कॉल करने के बाद ये फुलफिल हो जाएगी। सो सेव करते हैं, तो ये देखें एप्लीकेशन स्टार्ट पे एम्प्टी थी और फिर उसके बाद 5 हम लोगों ने कॉल किया है, टू डू, सो 5 हमारे पास यहाँ पे लिस्ट में आ गए हैं। अब मैं अगर अपना नया टू डू ऐड करता हूँ, न्यू टू डू, और एंटर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास ये नीचे मेरा न्यू टू डू भी ऐड हो गया है। तो इस तरह से जो हम लोगों ने अपनी एप्लीकेशन है वो बेसिकली डायनामिक बना ली है। हम लोगों ने अभी, मैंने सिर्फ इसमें जो है वो टू डूज फेच करने के लिए एपीआई यूज की है। आप सेम जो है वो एपीआई ऐड टू डू के ऊपर और डिलीट टेल टू डू के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं। उसके लिए आपने जेसन प्लेस होल्डर में जाना है और यहाँ पे ये देखें गेट और पोस्ट और डिलीट की रिक्वेस्ट आपको अवेलेबल है, और यहाँ पे आपको सिंटेक्स भी मिल जाता है कि आपने टू डूज के अंदर जो है वो नया टू डू ऐड करना है या डिलीट करना है तो किस तरह से करना है। अगर लेट्स से कि आपको नया टू डू ऐड करना है तो आपको इस यूआरएल के साथ आगे कॉमा पास करके नया ऑब्जेक्ट पास कर देना है, तो वो नया टू डू सर्वर पे जाके ऐड हो जाएगा। इसी तरह से जब आपने डिलीट करना है तो उस टू डू का आईडी सेंड करना होता है। तो इट्स योर असाइनमेंट कि आप इतनी एप्लीकेशन मेरे साथ बना के इसके बाद ये दो काम आप करें और आपकी एप्लीकेशन जो है वो फुली फंक्शनल डायनामिक हो जाएगी। दो काम क्या करने, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट जब हम यहाँ पे नया ऐड टू डू कर रहे हैं, नया ऐड टू डू वेयर वी आर डूइंग दिस, यहाँ पे तो इस फंक्शन के अंदर आपने यूज डेट दोबारा कॉल करनी है और आपने सर्वर को बताना है कि ये नया हम लोगों ने टू डू ऐड कर लिया। उसके लिए सिंटेक्स बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सेम है, यही सेम यूज इफेक्ट हुक यूज होगी। यहाँ पे आप इसको कॉपी पेस्ट कर लें और यहाँ पे कॉमा डाल के आपने नया ऑब्जेक्ट पास कर देना है, क्लियर। और ये चीज हमें इसकी जरूरत नहीं है, बस हमने सर्वर को इन्फॉर्म करना है कि नया टू डू ऐड हो गया। इसी तरह हम लोग डेल टू डू के लिए भी यूज इफेक्ट हुक यूज करेंगे और यहाँ पे उसका आईडी पास कर देंगे उस टू डू का। सो आई होप कि आई हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ थिंग, बिल्कुल बेसिक ऐप हम लोगों ने बनाई है। ये उन लोगों के लिए था लेक्चर जो बिल्कुल नए नए आए हैं रिएक्ट नेटिव के अंदर और वो जो है वो अपनी फर्स्ट एप्लीकेशन रिएक्ट नेटिव के साथ बनाना चाह रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग, लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।